गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर लर्निंग फ्रॉम हिंदी व्याकरण कक्षा 4, पेज नंबर 28, लेसन नंबर 5, वचन नंबर। प्रतीक को खिलौना खरीदना था, वह बाजार गया। बाजार में दुकानें सजी थी। प्रतीक एक दुकान पर रुक गया। उस दुकान पर तरह तरह के खिलौने बिक रहे थे। उसने एक गुड्डा खरीद लिया। तभी उसे अपनी बहन का ध्यान आया। उसने नैना के लिए भी एक गुड्डा खरीदा। दोनों गुड्डे लेकर वह घर लौटा। क्या कहा गया है कि प्रतीक को खिलौना खरीदना था और उसने खिलौना दुकान पर तरह तरह के खिलौने थे और उसने अपने लिए खिलौना खरीदा तो उसकी अपनी बहन नैना का भी ध्यान आया तो उसने नैना के लिए भी गुड्डा लेकर घर लौट गया। आपने देखा कि खिलौना दुकान और गुड्डा संख्या में एक होने का बोध कर रहा है, जबकि खिलौने दुकानें और गुड्डे संख्या में एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। क्या कहा गया, खिलौना गुड्डा और दुकान क्या एक होने का बोध करा रहा है और एक से अधिक होने का बोध कौन से शब्द करा रहे हैं, खिलौने दुकानें गुड्डे, ये क्या है, संख्या में एक से अधिक मतलब एक से ज़्यादा होने का हमको बता रहे हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। क्या कहा गया है कि शब्द के जिस रूप से उसका एक या अनेक, अनेक मतलब एक से ज़्यादा होने का बोध होता है, उनका कन्फेशन होता है तो हमें पता चलता है कि उसे वचन कहा जाता है। जैसे कि अभी यहाँ का क्या कहा गया कि वो खिलौना खरीद रहा था, खरीदना था उसे, एक प्रतीक को खिलौना खरीदना मतलब उसे एक ही खिलौना खरीदना था, लेकिन वहाँ तरह तरह के खिलौने बिक रहे थे मतलब वहाँ एक से ज़्यादा खिलौने बिक रहे थे, इसलिए ये शब्द ने हमें एक से अनेक होने का बोध कराया, इसलिए इसे वचन कहा जाता है। वचन के भेद, संख्या के आधार पर वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन संज्ञा के जिस रूप से संख्या में उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहा जाता है। बहुवचन संज्ञा के शब्द के जिस रूप से संख्या में उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहा जाता है। जिसमें संख्या शब्द से हमें पता चलता है कि शब्द से पता चलता है कि संख्या एक है तो उसे हम एक वचन कहते हैं, और जिस शब्द से पता चलता है कि संख्या एक से अधिक है उससे बहुवचन कहा जाता है। जैसे कि ये लड़का है, बराबर ये एक होता तो लड़का, तो ये ए हम एक होने का बोध करा रहे तो ये एक वचन, लेकिन यहाँ दो लड़के हैं तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ दो लड़के हैं, तो शब्द से हमें इसके दो होने का, एक से अधिक होने का बोध होता है तो ये बहुवचन कहा जाता है। अब देखिए पाना नंबर, अरे पेज नंबर 29, कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन के रूप यहाँ दिए गए हैं, जैसे एक वचन बहुवचन, लड़का लड़के, चूहा चूहे, झंडा झंडे, गुब्बारा गुब्बारे, गमला गमले, फिर गाड़ी गाड़िया, सहेली सहेलिया, सखी सखिया, साड़ी साड़िया, छात्रा एक वचन है तो उसका बहुवचन क्या होगा, छात्राएँ, लता एक वचन है तो उसका बहुवचन क्या होगा, लताएँ। आपने चित्र, आपने जिन शब्दों को एक वचन रूप में देखा उनका रूप बहुवचन में बदल जाता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका रूप एक वचन और बहुवचन में समान रहता है। ऐसे शब्दों की ही पहचान करने के लिए उनसे वाक्य बनाइए या उनसे बने वाक्य देखें। जैसे गुलाब का फूल खिला है, गुलाब का फूल खिले है, क्या कहा गया, गुलाब का फूल खिला है, गुलाब के फूल खिले है, ये एक से ज़्यादा है तो यहाँ क्या हो गया, खिले, और यहाँ क्या है एक वचन में खिला, ये एक है इसलिए क्या कहा गया कि खिला है, और यहाँ तीन है एक से अधिक इसलिए क्या कहा है कि खिले है, गुलाब के फूल खिले है। पेज नंबर 30, बालक खेलता है, बालक खेलते हैं, ये आपको दिख रहा है एक ही बालक है तो क्या बोलता है, बालक खेलता है, उसका बहुवचन क्या हो गया, खेलते, क्योंकि ये एक से अधिक है तो बालक खेलते है। ध्यान दीजिए, खिला शब्द, ध्यान दीजिए, खिला शब्द के कारण फूल एक वचन रूप का ज्ञान होता है, जबकि खिले शब्द के कारण फूल के बहुवचन रूप का ज्ञान होता है। इस प्रकार खेलता शब्द में बालक एक वचन के रूप में है और खेलते शब्द के कारण बालक बहुवचन के रूप में है। कुछ अन्य उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, इन्हें अच्छी तरह से समझ लीजिए। जैसे एक वचन पक्षी उड़ता है तो बहुवचन ये पक्षी उड़ते हैं, ये उड़ता एक वचन है और उड़ते दो बहुवचन है, ये एक है इसलिए एक वचन है, और ये इसलिए उड़ता है और ये एक से अधिक इसलिए ये उड़ते हैं।
आम पका है, आम पके है, ये बहुवचन है, एक से अधिक है, इसलिए आम पके है। मेरा घर छोटा है, उनके घर बड़े हैं, ये कितने घर है, दो घर है, इसलिए क्या कहा गया है कि उनके घर बड़े है, बड़े है मतलब बड़े हैं। खिलाड़ी मैदान में उतरा, खिलाड़ी मैदान में उतरे, एक खिलाड़ी है इसलिए क्या कहा गया कि खिलाड़ी मैदान में उतरा, और यहाँ एक से अधिक खिलाड़ी तो क्या कहा गया खिलाड़ी मैदान में उतरे। इसमें हमें क्या कहा, क्या बताया गया है बच्चों, हमें वचन बताया गया है कि वचन के दो प्रकार होते हैं, और एक वचन और बहुवचन, जिसमें एक ही चीज़ का या वस्तु का उल्लेख किया गया हो, जैसे कि हम गुलाब खिला है तो गुलाब खुलाब खिला है, हम इस तरह बोलेंगे। अब हम यहाँ ये नहीं बोलेंगे कि गुलाब खिले है, क्योंकि यहाँ एक है और यहाँ बहुवचन है, एक से अधिक है, इसलिए हमें यहाँ वाक्य के हमने लिखा गुलाब खिले है। यह हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है।